हेलो गाइस, स्वागत है आप लोग को सुनील शर्मा ब्लॉग्स में। तो गाइस अभी मैं ट्रेन में हूँ, आप देख सकते हैं, और मेरे साथ ये मेरे फ्रेंड लोग हैं, ये रोहित जी और ये सूरज जी और इधर मधु सर बैठे हुए हैं। तो गाइस अभी मैं आप लोगों को बता दूं कि ये जो मेरा फर्स्ट जर्नी है और मैं जा रहा हूँ नेपाल, यानी कि हम लोग का जो पड़ोसी देश है नेपाल। तो ये कह सकते हैं कि मेरा ना फर्स्ट जर्नी है जो कि विदेश का यात्रा हो रहा है। तो गाइज मैं आप लोगों से इस तरह का वीडियो हमेशा शेयर करता हूं, और ये मेरा पहला ब्लॉग है जो मैं विदेश जाकर बनाने वाला हूं। तो गाइज आप लोग इस वीडियो में पूरे बने रहिएगा अंत तक। तो गाइज फाइनली हम लोग का स्टेशन आ चुका है दरभंगा। तो गाइज ये दरभंगा स्टेशन है और अभी हम लोग यहां पर उतरने वाले हैं। उतरिए सर, उतरिए उतरिए, आराम से आराम से, रुके गाड़ी रुकने दीजिए, उतना जल्दी नहीं है। तो गाइस ये है दरभंगा जंक्शन। ठंडा हो गया बिना काम के। तो गेटवे पर क्या कर रहे हैं आप? तो गाइस यही वो ट्रेन है जिससे हम लोग यहाँ तक आए हैं दरभंगा तक, आप देख सकते हैं। और अभी हम लोग दरभंगा जंक्शन पर आ चुके हैं, फिर यहाँ से हम लोग एक गाड़ी पकड़ेंगे, ट्रेन से ही जाएंगे। तो हम लोग जाएंगे अभी यहाँ से क्या बोलते हैं जयनगर, और फिर वहाँ से जाएंगे जनकपुर। तो देखते हैं यहाँ पे कितने बजे गाड़ी है। तो गाइस फाइनली मैं टिकट ले लिया, और ये टिकट लिया हम जयनगर के लिए, और फिर वहां से हम लोग जाएंगे नेपाल जो कि जनकपुर है। ओ जो तेरा ना हुए तो किसी का ना रहेंगे, तू बरखा मेरी मैं तेरा बादल पिया। तो गाइस फाइनली हम लोग का ये गाड़ी आ गया जयनगर के लिए, आप देख सकते हैं, और ये गाड़ी जाएगी जयनगर, और इसमें ये देखते थे मतलब द्वितीय श्रेणी जिसको जनरल बोगी बोलते हैं, इसमें बैठेंगे। और यहाँ पे देख सकते हैं लिखा है समस्तीपुर जयनगर। तो गाइस इसे चलना है सर? हाँ चलेंगे, इसी से चलेंगे। तो गाइस मैं देखता हूँ मेरे को सीट मिलता है कि नहीं मिलता है। अब फाइनली यहाँ पे मैं आ चुका हूँ, और ये टिकट है, आइए ना सर, तो अंदर चल के देखता हूँ। वाओ, दिस इज द रेल, इंडियन रेलवे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मतलब किस तरह से इसका सफाई सुथरा, इस अलग सर ये बोगी खाली है, किस कहीं पे जगह मिलता है तो हम लोग बैठ जाएंगे यहाँ पे। अरे दिल ना लगाई अब फेरू जाना, अब जा 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 जान भुला जा, अरे की तोरा बिना दुनिया विराम लागे, जियत शरीरिया बेजान लागे गोरी रे। टाइम पास समझ रहे ना। अरे तू ससुरा में जब रोए लो, अकबर में हम हो तरसे। तो गाइज अभी हम लोग जयनगर आ चुका हूँ, और देख सकते हैं अभी इसी ट्रेन से हम लोग सफर किए हैं। ये स्टेशन है जयनगर, आप देख सकते हैं। अभी रात का 3 बज रहा है गाइस, देख सकते हैं 3 बज गया है, और हम लोग यहाँ पे आए हैं। अब यहाँ से हम लोग जाएंगे नेपाल। तो गाइस यहाँ से जाएंगे हम लोग नेपाल। अब ये जयनगर स्टेशन है गाइस। तो गाइस गुड मॉर्निंग, अभी सुबह का 7 बज रहा है, और अभी मैं जैसा कि आपको बताया था रात को मैं यहाँ पे जयनगर स्टेशन पे आया था, और अभी रात को यहाँ से तो गाड़ी नहीं मिल पाई कि मैं जाऊँ नेपाल। अब यहाँ से मैं टिकट लूँगा, जस्ट इधर मैं जाऊँगा ना तो नेपाल के लिए वहाँ पे टिकट मिलता है। फाइनली गाइज अभी हम लोग जयनगर स्टेशन पर है, और टिकट भी ले लिया है, आप देख सकते हैं ये नेपाल के लिए है, और
जैसे आपको दिख रहा होगा ये रेलवे स्टेशन, और ये गाड़ी भी आ चुकी है ये, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ से जाएंगे नेपाल जनकपुर, देखता हूँ इसमें सीट है कि नहीं। बैठे भैया जी, ये रहा मेरा सीट, आप देख सकते हैं हम लोग को सीट मिल चुका है। बैठते हैं यहाँ से, अब चलेंगे यहाँ से नेपाल। तो गाइस फाइनली अभी गाड़ी में मैं बैठ चुका हूँ ट्रेन में, आप देख सकते हैं ये टिकट है, इसमें चार आदमी का है, आप देख सकते हैं। और इस टिकट में पड़ा 44 रुपये इंडियन 44 रुपया, और ये देख सकते हैं नेपाली मुद्रा है ये, करीब इसमें लिखा हुआ है ₹20, आप देख सकते हैं। तो 20-20 का इसमें दो नोट है, आप देख सकते हैं। तो गाइस अभी ये जो रेल है ये इंडिया से नेपाल में जाती है, आप देख सकते हैं, और काफ़ी मतलब साफ सुथरी है। आप लोगों को दिखाता हूँ थोड़ा सा इसका झलक, आप देख सकते हैं कितना मस्त है, जो इंडिया से नेपाल की ओर जाती है। तो गाइस ये इंडिया से जो नेपाल में जाती है जो ट्रेन, वो आप देख सकते हैं काफी मतलब साफ सुथरी है। तो गाइस फाइनली अभी मैं जनकपुर दर्शन पर आ चुका हूँ, और आप देख सकते हैं मैं उतर रहा हूँ, इसी ट्रेन से आया हूँ, उतर गया हूँ जनकपुर रेलवे स्टेशन पे, और यहाँ पे जाऊँगा जनकपुर धाम। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे लिखा हो जनकपुर धाम, और ये जनकपुर रेलवे स्टेशन है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि भारत से आए हुए पर्यटकों को स्वागत है, ये देखिए जनकपुर रेलवे स्टेशन। और मधुबनी पेंटिंग जो है सब जगह फेमस है, यहाँ नेपाल में भी यहाँ पे लगाया गया है। तो गाइस यही है जनकपुर रेलवे स्टेशन, आपको बाहर से भी दिखा दूंगी कैसा लगता है। तो गाइस कैसा लगा आप लोगों को ये जनकपुर रेलवे स्टेशन का जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, यानी कि जनकपुर रेलवे स्टेशन का ब्लॉगिंग आप लोगों को कैसा लगा? अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, और हो सके तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो गाइस अभी मैं यहाँ से तुरंत निकलूँगा जनकपुर धाम, जो कि यहाँ से 15-20 मिनट का रास्ता है, अंदर का व्यू आप लोगों को करा दिया। और ये देख सकते हैं कई सारे यहाँ पे गाड़ी वगैरह सब लगे हुए, यहाँ से ये सब गाड़ी जाएगी जनकपुर धाम।